टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीडीएस बहुत बड़ा टॉपिक है। टीडीएस की रेट अलग अलग, अपने अब तक इसमें 192 सैलरी, 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, 194 डिविडेंड, 194 है इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटी, 194 BEE, हॉर्सेस लॉटरी 30% करता है, 194 C कॉन्ट्रैक्ट, 194 D इंश्योरेंस कमीशन, 194 DA लाख रुपए से ऊपर मिले तो इंश्योरेंस पॉलिसी जो टैक्सेबल है 10-10 D में माफ नहीं, उस पर भी TDS कटता है। पढ़ा अपने ये सारा, और 194 EEE वो अपने पढ़ा, वो जो स्पोर्ट्समैन वाले पे 20% करता है, बाकी वो नहीं काम आता। NSS में 2500 से ज़्यादा निकाल ले तो उस पर टैक्स लगेगा, म्यूचुअल फंड रीपर्चेज हो उस पर टैक्स लगेगा। 194 I इंटरेस्ट, वो रेंट मिलेगा 240,000 से ज़्यादा, मशीन पे 2%, फर्नीचर बिल्डिंग पे कितना 10%, रेंट 240,000 से ज़्यादा होना चाहिए। ये सब आपने पढ़ा था। ओके, जी और एच बिल्कुल एक से थे। डी कितना, जी किसका था, लॉटरी कमीशन, 15,000 से ऊपर होगा 5%। एच कोई और कमीशन किसी भी तरह का, चाहे प्रॉपर्टी डीलिंग का, चाहे वो एयरटेल रिचार्ज का, चाहे इजी रिचार्ज, BSNL छोड़ दो, बाकी टाटा स्काई का, सब पे कितना 15,000 से ऊपर हुआ तो 5% TDS कटेगा, 194H कहता था। आए कर लिया अपने, आए ए से चलो आगे। अब आए ए अच्छा सेक्शन है, प्रैक्टिकल लाइफ में काफ़ी काम आ रहा है लोगों के, मतलब CS के ऑफिस में आजकल इसका बहुत ज़्यादा काम है। 194 IA प्रॉपर्टी महंगी होने से ये सेक्शन काफ़ी इफेक्टिव हो गया। सरकार ने कहा कि अगर 50 लाख स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज़्यादा की प्रॉपर्टी, इफ़ यू आर बाइंग प्रॉपर्टी लैंड बिल्डिंग वगैरह, यानी कि लैंड और बिल्डिंग, अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं ओवर 50 लाख SD वाली, हैविंग स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ओवर 50 लाख, 50 लाख से ऊपर स्टैम्प ड्यूटी वाली वैल्यू वाली प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, तो जितने की परचेज प्राइस है, परचेज प्राइस का 1% TDS डिडक्ट करना है। TDS इज टू बी डिडक्टेड बाय बायर, बायर को सेलर को 1% काट के देने हैं। मान लो परचेज प्राइस आपका 60 लाख है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50 से ज़्यादा है, मान लो 50 से ज़्यादा पे एप्लीकेबल है, तो आपको इसमें TDS कितना काटना है, 60 लाख का 1% कितना TDS काटना है, 60,000, 59,40,000 पे कैश किसको पे कर दो, कैश टू बी पेड टू द सेलर, टू सेलर, सेलर को कितने पे करने आपने, 59,40,000, 60 लाख का 1% काट लो, 59,40,000 सेलर को दे दो, बोलो सही है, 59,40,000। ये क्यों चलाया, ताकि ना लोग लाखों की प्रॉपर्टी दे के सेलर पार जाता है, कल को वो खुद कैपिटल गेन का हिसाब करने ना आए तो सरकार ढूंढती फिरे उसकी बजाय। क्या है, सरकार ने बाहर को भी फंसा लिया कि बाहर तेरी ड्यूटी है, तेरे हाथ में तो माल है, हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं, तेरे हाथ में तो पैसा है जो देना है तूने सेलर को, तू इजली काट सकता है, क्योंकि अगर हम सेलर पे सोचें, सेलर हमारे पास आते ही नहीं जी, क्या करें, किस किस को बुलाएं, आते नहीं, पर तू तो पैसा दे रहा है, काट ले बीच में से, ठीक रूल है, और तूने नहीं काटा तो तेरे पे एक्शन, 20% बढ़वा लेंगे तेरे से, बड़ा खतरनाक सेक्शन है, 1% के कितने पे चल देगा, 20%। मेरे पास बड़े फोन आते इस सेक्शन से रिलेटेड, क्या काटे ना काटे, मैंने कहा काट ले भाई, कटना किसका है, TDS सेलर का, तू फंस जाएगा मुसीबत में 20% में, मान लो कुछ इधर उधर हो गया, डिपार्टमेंट का ऑफिसर ब्लैकमेल कर सकता है तेरे को, 20% भरना पड़ सकता है तेरे को, कहाँ 60 लाख का 1% 60 काट, अगले के खाते में डाल दे, अगले को कह दे ये ले भैया चिट TDS की, ठीक है, और जबकि तूने ना काटा तो अगर मान लो ऑफिसर ने एक्शन ले लिया और तेरे को फंसा लेगा वो 60 लाख का 20% 12 लाख तो ब्लैकमेल होगा, भागा फिरेगा, टेंशन, काट ले TDS इसमें, क्योंकि थोड़ी कंफ्यूजन है एक्ट में। क्या मान लो दो सेलर हैं या एक प्रॉपर्टी, वन प्रॉपर्टी ऑफ राम बोट बाय एक्स एंड वाई
फॉर एग्रीगेट रुपीज 60 लाख। अब क्वेश्चन ये उठता है कि एक डील है कि नहीं, अलग अलग कोर्ट की जजमेंट भी है इसमें। ट्रिब्यूनल कहते हैं दो डील है 30-30 लाख रुपए की, इसलिए ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होता। लेकिन बहुत सी जजमेंट ये कहती हैं प्रॉपर्टी वाइज देखो, बार सेलर ना देखो, प्रॉपर्टी तो एक ही है, प्रॉपर्टी तो एक ही है, इसलिए खरीदने वाले दो हैं, कोई बात नहीं। 30-30 लाख पे TDS काटो, इसको को 30 लाख रुपए पे एक्स, 30 लाख की तेरी बाइंग है, वाई 30 लाख की तेरी बाइंग है, तू काट इस पे 1% 30,000, वाई तू काट इस पे 1% कितना 30, तुम दोनों 60,000 काट लो, टोटल 60 लाख का, 59,40,000 उसको दोनों मिलके दे देना, दोनों को TDS काटना है 1%। क्लियर? अब बंदे ने वो जजमेंट पड़ी कि भाई ये तो दो डील है, 30 की एक 30 की अलग, जब बाहर ही अलग अलग हो गए, ज्वाइंट है, प्रॉपर्टी एक है, तो क्या हुआ, खरीदार दो हो गए। गलत इसमें भी नहीं है, इसमें जजमेंट भी है, ये दो डील हैं, पर जजमेंट ऐसी भी है प्रॉपर्टी वाइज देखो तो। मतलब मेरे पास होना था ये सामने ना रजिस्ट्रियाँ लिखते हैं, ये सामने काम ही है रजिस्ट्री लिखने का इनका। तो बड़े फ़ोन आते हैं, बंदे भी भेज देते हैं, कहते हैं जी इनसे CA साहब से मिल लो जाके, भाई कटेगा कि नहीं कटेगा TDS। मैं उनको ये कहता हूँ भैया तुम बाहर हो, तुम क्यों टेंशन लेते हो, सेलर का TDS करना और सेलर को समझाओ, पक्के में पेमेंट आनी, आजकल कोई दो नंबर में कैश तो आता ही नहीं, प्रॉपर्टी की डीलिंग क्या हो गई है, चेक से हो गई है, 20,000 से ऊपर अलाउड ही नहीं है, नेट बैंकिंग या चेक से आती तो तेरे खातों में तो दिख ही जाने ये 60 लाख रुपए। सेलर को समझाओ भाई तेरा TDS कट भी गया 60,000, तेरे को चिट देंगे, तू कल को रिफंड ले ले अगर तेरा टैक्स ना बढ़ा, एडजस्ट कर ले, हम मुसीबत में फंस जाएंगे, मान लो ना काटा कल को 20% हमसे ऑफिसर मांगता फिरे। तो मैं उनको यही समझाता हूँ भैया TDS काट लो। फिर वो कहेंगे हमने सुना है, मैंने कहा सुना क्या, मेरे को पता है ट्रिब्यूनल की कोर्ट की जजमेंट है, मैंने अपने खुद के केस में TDS काटा था कभी किसी का, हम दो बार सेलर भी दो, उसमें तो चांस दो डीलिंग के अलग अलग हो गए। हमें बेचने वाले कोई बूढ़ा में प्लॉट लिया था यमुनानगर के, दो लोगों का था वो, और इधर हम भी हस्बैंड वाइफ थे, और उस केस के अंदर क्या है कि भाई काटेंगे ना काटेंगे, उसमें तो दो डील होने के चांस ज़्यादा क्लियर हैं, क्योंकि सेलर भी दो, एक हिस्सा एक को बेच रहा है, एक हिस्सा एक को बेच रहा है, पर प्रॉपर्टी तो एक है ना, सेलर दो और बार दो, तो हम क्यों रिस्क लें, हमने काटा उनका TDS। वो हमें समझाते रहे, कहता है वो अपने CA से बात करवाते हैं, मैंने कहा भाई मैं भी CA हूँ, मुझे पता नहीं क्या काटना कि नहीं, काटूँगा तेरे CA के कहने से क्या होता है। वो समझा रहा होगा दो डील होती हैं, दो डील कहाँ होती हैं, एक्ट में तो नहीं लिखा, एक्ट में तो ये लिख के छोड़ दिया भी 50 लाख से ऊपर की डील है TDS काटो, और लोग लड़ते मरते रहेंगे कोर्ट में, धक्के खाते रहेंगे, भी क्लियर कर दो यार, एक क्लोज डाल दो बना के इसमें। और ये अब का थोड़ी है, 3 साल से ऐसी चल रहा है, भाई कम से कम एक क्लोज डाल दो एक्ट में कि भाई प्रॉपर्टी वाइज देखना है, डील वाइज ना देखो, प्रॉपर्टी वाइज, चाहे ज्वाइंट हो फिर क्लियर हो जाए, या फिर क्लियर कर ही दो कि भाई अगर सिंगल बायर है 50 लाख से ऊपर की खरीद रहा है तो लगेगा ये रूल, फिर बच जाएंगे लोग, बता तो दो ना, चांस क्या है। इनकम टैक्स अपने फायदे की बात करता है, वो यही कहेगा प्रॉपर्टी वाइज देखो, पर आ जाए ना, कम से कम बेचारे कन्फ्यूज हो रहे हैं, वो तो ना कन्फ्यूज हो। मेरे ब्रदर ने एक प्रॉपर्टी खरीदी, वो भी ज्वाइंट सरकार से ही खरीदी, वो 50 से ऊपर थी, हस्बैंड वाइफ ने खरीदी, उसने नहीं काटा TDS, कहते जी दो डील हैं, मैं एक्ट की लैंग्वेज में नहीं लिखा, तो वकीलों की लैंग्वेज यही कहती है बेनिफिट ऑफ डाउट ले लो। मैंने कहा भैया यहाँ हमारी इनकम टैक्स की लैंग्वेज में तो हम सेफ एंड पे चलते हैं, भाई TDS अपने क्या तकलीफ है, काटो TDS, सरकार का TDS तू काट के अपना जमा करवा, अपन क्यों टेंशन लें। क्या नहीं काटते अपना TDS, काटेंगे सरकार की नज़रों में आएंगे, इनकम टैक्स की नज़रों में आएंगे, नहीं काटते जब डाउट, चलो चला गया उसका काम, चल गया, नहीं आया कोई नोटिस। तो कई बार ऐसा है पंगा तो ना ही लो, तो अपा तो सेफ एंड पे चलने की सामने वाले को सलाह देते हैं कि सेफ चलो। याद होगा मैंने इससे रिलेटेड एक बार क्वेश्चन दिया था आपको इसी टॉपिक से रिलेटेड। चलो ये आज के टाइम में बड़े फ़ोन आते हैं, कई लोग तो 3-3, 4-4 शहर में सलाह लेके फिर फ़ोन करते हैं, कहते जी देखो मैंने उससे पूछा शहर के सीनियर एडवोकेट, वो ये कह रहे हैं, एक सीनियर CA से पूछा ये कह रहे हैं, अब आप भी बता दो। मैंने कहा जी मैंने सब कुछ पढ़ा हुआ है इस पर, सारे ट्रिब्यूनल केस वेस मैंने उनको सारे बता दिए, क्योंकि अपना ही मामला था घर में तो सारा और भी ज़्यादा स्टडी किया, पढ़ाने के लिए भी स्टडी करना पड़ता है। तो मैंने उनको कहा जी किससे मर्जी पूछ लो, आधी अधूरी नॉलेज से हर कोई अपना गेस बता देगा, मैंने सारी स्टडी की है, इनकम टैक्स एक्ट में इस पर कोई क्लैरिटी नहीं कि आपको यकीन के साथ कह दे कोई कि नहीं कटेगा ना काटो, काट लो बचना है तो। कल को ऑफिसर झमेले में तो पड़ गए ना, 20% मांग के बैठ गया, भागे फिरो, फिर जस्टिफाई करते रहो
वो तो कहता है जमा कराओ 60 लाख का 20%, 12 लाख तुमने पैन पून दिया नहीं, सेलर का TDS काटा नहीं, 20% लूंगा। समझे ना, एक का 20 बहुत ज़्यादा होता है, 10% का 20 हो जाता है ना, फिर भी बंदा कहता है डबल है कोई बात नहीं, टिकट भी ना लेने पे डबल टिकट कटती कोई बात नहीं, लेकिन एक का 20 हो जाए तो बहुत ज़्यादा है, तो डर क्रिएट करने वाला है, काट लेना चाहिए TDS, मतलब दिक्कत होती है। एक बात और, ये रूल लगेगा कब, जब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या होगी 50 लाख से ज़्यादा, पर कटेगा किसका, एक्चुअल वैल्यू का, समझ गए। अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है 50 लाख से ज़्यादा है, ये रूल लग गया, मान लो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 55 लाख, एक्चुअल सेल कंसीडरेशन जो है 52 लाख, तो TDS किस पे कटेगा, 52 लाख का 1%, लेकिन कटेगा पक्का, क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50 से ज़्यादा है, और बाकी जिसने खरीदी है उसको मुसीबत और भी आने वाली है, जिसने खरीदी है वो रिश्तेदार से नहीं खरीदी ना, उसके पास 56(2)(10) सेक्शन चल के आने वाला है, क्यों, क्योंकि तूने खरीदी प्रॉपर्टी क्या 50,000 से ज़्यादा कंसेशन। पर एक रूल और भी तो है, 10% स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है, आप देखो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है 52 लाख का 110% करना, 52 लाख की खरीदी आपने उसका 110%, 57 लाख समथिंग बनता है मोटा मोटा सा आइडिया, और तुम कह रहे हो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 55 है, तो 10% से ज़्यादा नहीं है ना, 56(2)(10) बच गए आप, 56(2)(10) से बच गए, क्यों बच गए, क्योंकि डिफरेंस 10% के अंदर है, वो बच गए। अब आ जाओ सेलर से मुलाकात करते हैं, सेलर को बताओ, सेलर को कोई कह रहा है भैया ये क्या कर दिया तूने, 52 में बेच दी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 55 वाली, 52 में बेच दी 55 वाली, 3 लाख रुपये सस्ती तेरे को, तो सेल 55 मान लेंगे। वो कहता नहीं, पढ़ लिया, कहता सेक्शन 50C, क्या सेक्शन 50C पढ़ दिया, कहता तू आधा पढ़ रहा है क्या, मैंने पूरा पढ़ दिया, 50,000 से ऊपर डिफरेंस है वो तो बात ठीक है, लेकिन एक बात और भी तो है, जो सेल कंसीडरेशन के 110% से ज़्यादा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है नहीं है, 52 लाख का 110% नहीं है ना, 57 लाख, 55 है, कहता है इतना तो चलता है, कहते इतना तो लोग कहता है, चलो जी 52 लाख सही है, ना तो सेलर को मुसीबत आई 50C लगा, ना ही 56(2)(10) लगा, थोड़ा बदल लूँ, प्रॉपर्टी की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 60 लाख आपने बेची कितने में, ए ने बी को, बी ने बी बार एस सेलर ने बार बी को बेची 52 लाख। अब ये फर्क जो है 52 लाख का 110% 57 लाख कुछ बनता है, 57,20,000 कुछ बनता है, और आप स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 60 है, तो बार को तुझे कितनी सस्ती मिली, 8 लाख, रिश्तेदार है नहीं, डिफरेंस 10% से ज़्यादा भी है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का और 50,000 से भी ज़्यादा है, इसलिए 8 लाख तेरे लिए क्या मान ले, गिफ्ट, किस में, 56(2)(10) में। वो तो इसीलिए खुश हो रहा था, कहता मैंने TDS 52 पे काट देना, हाँ लोग कहता है जितना एक्चुअल कंसीडरेशन उस पर काट देना, 60 पे तो नहीं काटना, खुश हो रहा है, कहता वो कोई बात नहीं 60 है 52 पे काटना TDS, वो इस पर खुश हो रहा है, पर उसे नहीं पता 8 लाख रुपये मुसीबत बन जाएगा तेरे लिए, क्या मान लिया जाएगा, अदर सोर्सेस। और सेलर को कहे तू भी बता, तेरे को 52 के हिसाब से गेन नहीं आना, सेक्शन 50C कहता तूने कितने की बेची, 52, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 60, 8 लाख का फर्क है, 50,000 से ज़्यादा भी है और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्चुअल सेल कंसीडरेशन के 110% से ज़्यादा भी है, तेरे लिए सेल कितनी मानी जाएगी, 60 लाख, लेस कॉस्ट। क्या फ़ायदा, कम बताने का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ TDS ही काटने की ड्यूटी कम हुई है, बाकी तो कुछ भी नहीं कम हुआ, क्लियर। बोलो, एक बंदे ने प्रॉपर्टी खरीदी 50,08,000 रुपये की, उसकी वैल्यू 50,08,000, 8,000 ऊपर जाने की वजह से दिक्कत आ रही है ना, 50 लाख से ऊपर होगी वैल्यू, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी 50,08,000, तो उसे सलाह दी जा रही है कि तू भैया थोड़ा सा मार्जिन तो इनकम टैक्स भी बर्दाश्त कर लेते हैं, तो इसकी रजिस्ट्री करवा ले 49,80,000, कितनी सस्ती, कोई 20-30 हज़ार रुपये सस्ती, 1% भी नहीं है, आधा परसेंट भी नहीं है, समझा जाए 50 लाख का 1% भी कितना हो जाता है, 50,000, तो तू 20,000 रुपये सस्ती करवाएगा तो आधा परसेंट भी नहीं है, और इतना तो इनकम टैक्स में भी अलाउड है, ना सेलर को दिक्कत ना बाहर को, इस तरह से मतलब कई लोग ऐसी कोशिश करते हैं, पर ऐसी कोशिश ना करो, टेंशन वाली बातें, ये कल को उनकी ऑडिट ऑडिट होती है, जैसे
जो ये जो रजिस्ट्रार है प्रॉपर्टी का, वो पकड़ लेगा, कहता जी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम की रजिस्ट्री क्यों करवाई, इतना तो रेट ज़्यादा उल्टा उधर तुम कम में करवा रहे हो। तो दिक्कतें हैं, आप फिर चलो यार TDS से कट जाएगा, कोई बात नहीं आ जाएगा, सही है ना। तो चलो, पर ये TDS रिफंड लेना आसान नहीं है, क्योंकि इस TDS को रिफंड लेने के लिए सेलर को क्या करना पड़ेगा, रिटर्नें भरनी पड़ेगी, कितने की बेची कितने की खरीदी, कैपिटल गेन बनाना पड़ेगा तो जाके, और उल्टा देख ही आएगा कुछ लेके नहीं। बात ये है, रिफंड लेना आसान नहीं है। नहीं कटा था तो बैठा तो चुप करके, आदमों को पता ही नहीं टैक्स भी भरना होता है, प्रॉपर्टी बेच के खा जाते हैं वैसे, पता ही नहीं इनकम टैक्स भी देना होता है, और इनकम टैक्स ढूंढता रहता है। और जब कट गया पहले तो कम से कम सरकार के पास थोड़ा बहुत पैसा तो आ गया, नॉलेज में भी आ गया बंदा, इसलिए बहुत बढ़िया काम कर रहा है। डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत फायदे की चीज़ है ये, क्या सेक्शन 194 आइए। और खास बात, आप इंडिविजुअल बायर हो, आपके पास पैन नंबर नहीं है, TDS काटने वाले को पैन नंबर तो दोनों का चाहिए, अपना और डिडक्टी का, साथ में एक पैन नंबर चाहिए, टैक्स अकाउंट नंबर। जैसे पैन नंबर के लिए फॉर्म 16A पे एप्लीकेशन जाती है ना, वैसी एक फॉर्म 16B मतलब अप्लाई होता है, सॉरी 49B, 49A पे पैन की एप्लीकेशन जाती है, प्लीज़ इशू अ पैन नंबर टू मी, एक फॉर्म है 49A, आगे आएगा लिखा, लेकिन 49B, ये 49A तो उसमें था रिटर्न ऑफ इनकम में, 49B पे 10 की एप्लीकेशन जाती है, टैक्स अकाउंट नंबर लेना हो, कौन लेता है, जो TDS काटता है। पर यहाँ तो एक इंडिविजुअल बार है, दुकानदार है ही नहीं, तो इनकम टैक्स ने कहा कोई बात नहीं, प्रॉपर्टी के बार को 10 नंबर ना लेने दो, चाहे उसको कहो कि तू बिना 10 के ही तेरे को पावर दे देते हैं TDS काटने की, तो एक TDS रिटर्न कम चलान इकट्ठा, TDS रिटर्न भरने की, वैसे 10 वाला तो क्वार्टरली रिटर्न नहीं भरता है, हर महीने टैक्स जमा करवाता है, ये कहता है TDS रिटर्न कम चलान, तू एक 26QB फॉर्म है, फॉर्म 26QB ऑनलाइन ऑनलाइन जाता है, ये फीड कर दे, इसमें क्या डिटेल होती है, इसमें डिटेल होती है आपने प्रॉपर्टी कौन सी खरीदी, सेलर कौन है, उसका पैन नंबर, एड्रेस क्या है प्रॉपर्टी का, सारी बातें, कब खरीदी, तो उसकी डिटेल भरो और TDS आ जाएगा, ऑनलाइन जमा करवाओ पोर्टल पे इनकम टैक्स के, बस ये TDS जमा करने के लिए भी यही फॉर्म है, यही इसकी TDS की क्या है रिटर्न है। आम व्यापारी तो पता क्या होता है, हर महीने TDS काटे जाते हैं, काटे जाते जमा कराया जाता है, 3 महीने बाद 3 महीने में जो भी TDS काटा जमा कराया उसकी डिटेल जमा कराता है, दैट इज TDS रिटर्न। आप कौन सा रोज प्रॉपर्टियां खरीदते हैं, एक खरीदी 50 से ऊपर आप पर TDS का रूल लग गया, बार को काटना है तो बार को 26QB फॉर्म ऑनलाइन भरना है इनकम टैक्स के पोर्टल पे, ऑनलाइन टैक्स जमा हो जाएगा, ये TDS की रिटर्न, जब ये जमा करेगा तो वहां से एक फॉर्म निकलेगा, ये जो है टैक्स जमा करवाना है विद इन 30 days फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच प्रॉपर्टी बॉट, जब प्रॉपर्टी खरीदी उसके 30 दिन, मान लो प्रॉपर्टी खरीदी 20 अप्रैल को, तो 30 दिन कब से गिनने हैं, 30 अप्रैल के बाद, यानी 30 मई तक 30 दिन का टाइम है। आप ये फॉर्म 26QB पे टैक्स भी जमा करवा दो, रिटर्न भी यही, और बार को कोई 10 नंबर नहीं चाहिए। जब ये फॉर्म जमा करवाए गए तो अगले 15 दिन में ना, विद इन नेक्स्ट 15 डेज एक फॉर्म जनरेट होगा, फॉर्म 16B, वो इशू कर दो, इशू टू सेलर, लो जी सबूत तुम्हारा टैक्स जमा करवा दिया मैंने। यानी बार अपनी TDS की रिटर्न कम चलान फॉर्म कितने दिन में भरेगा, 30 दिन में, जिस महीने प्रॉपर्टी खरीदी उसके बाद 30 दिन में। TDS का अमाउंट 60 लाख का 60,000 जमा करेगा, सारी डिटेल जमा करा देगा, जमा कराने के अगले 15 दिन में एक फॉर्म निकलेगा ऑनलाइन, जिसे 16B बोलेंगे, ये किसको इशू कर दो, सेलर को, जो सबूत है कि तेरा TDS मैंने जमा करवा दिया। वैसे तो उनके 26 ASM दिख जाएगा सेलर के, पर चलो आप तो सबूत दो उसे फॉर्म 16B पे, सही है, बोलो क्लियर, इस तरह। किसको काटना है, बार को, और कोई 10 नंबर लेना नहीं, आम रिटर्न की इतना TDS की रिटर्न नहीं जाती, आम TDS 16A फॉर्म पे दिया जाता है सबूत, इसमें 16B पे दिया जाएगा सबूत, और 30 दिन में आपको टैक्स जमा करवाना है, रिटर्न भरनी है।
क्लियर। चलो, लेकिन गांवों की खेती की जमीन क्योंकि माफ है, गांवों की खेती की जमीन क्योंकि माफ है, इसलिए उस जमीन पे 194 आईए नहीं लगता। 194 आईए किस चीज का था? रेंट का। आईए किसका है? प्रॉपर्टी खरीदने का। पढ़ो क्या कहता है, पढ़ो ये सेक्शन। ट्रांसफर ऑफ इमोल प्रॉपर्टी का है ये सेक्शन, और क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? देखो, ये कह रहा है हु इज लायबल टू डिडक्ट टैक्स? बायर, ट्रांसफरी बायर। टीडीएस किसका करना है? रेसिपियंट सेलर का। नेचर ऑफ पेमेंट क्या है? कोई भी लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी, गांव की खेती की जमीन छोड़ दो, माफ है, उस पर नहीं कटेगा टीडीएस। और कोई भी प्रॉपर्टी खरीदी, टीडीएस कटेगा। और जो पैसे है ना, उसमें सब आता है। कई बार पता क्या होता है, जो प्रॉपर्टी होती है जैसे फ्लैट, उसमें और फैसिलिटी इंक्लूड होती है। जैसे मान लो एक कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वहाँ फ्लैट बना, फ्लैट के साथ पार्किंग फैसिलिटी, स्विमिंग पूल की फैसिलिटी और फैसिलिटी सब जोड़ के ही वो पैसे फ्लैट के बिकता है। वो आगे जो आगे आएगा उसको भी ये फैसिलिटी यूज़ करने का मौका मिलेगा। तो वो सारे पैसे जोड़ जोड़ के है, ये 60 लाख, 50 लाख, जो भी है, 50 लाख से ऊपर, इंक्लूडिंग ऑल फैसिलिटी अवेलेबल विद द हाउस। तो ये कह रहा है कि कंसीडरेशन में क्या क्या इंक्लूड है, सारे चार्जेस, कोई क्लब की मेंबरशिप, कोई पार्किंग फीस, कोई बिजली पानी के कनेक्शन का मेंटेनेंस फीस, कोई एडवांस फीस, अदर सिमिलर चार्जेस अगर लिए गए हैं वो भी पार्ट ऑफ सेल कंसीडरेशन है। भाई उस एरिया में मीटर लगा के दिया कर दें, सामने वाला कहता भाई साहब 60 लाख रुपये तो घर के दे दो, 1 लाख रुपए मीटर के दे दो, 1 लाख रुपए पार्किंग का राइट मिला है अपने को, इस घर वाले में जो रहेगा उसे वहाँ पार्किंग की जगह मिलेगी, तो उसके भी दे दो, मैंने दिए हैं। जो कुछ ले रहे हो ना, पार्किंग के, मेंटेनेंस के, कोई एडवांस फीस के, कोई बिजली के कनेक्शन के, सब जोड़ लो। मान लो सब जोड़ के 62 लाख ले रहे हो, तो 62 लाख पे टीडीएस है। क्लियर। कई बार क्या होता है कुछ एरिया में ना, मैंने आपको शायद बताया हो, पटियाला के अंदर पुड्डा है, पंजाब अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, वहाँ रेस्टोरेंट बना हुआ था, मैंने आपको बताया था। एक बार कोई रिलेटिव रहते हैं, कज़न रहता है मेरा, तो वो रेस्टोरेंट में ले गया, तो काफ़ी आलीशान, बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट, पूल वूल भी है, सब है। तो उसने बताया भी ये रेस्टोरेंट कोई प्राइवेट नहीं है किसी का, ये रेजिडेंट एसोसिएशन का है। यहाँ जो पुड्डा में लोग रहते हैं उन्होंने बनाया हुआ रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने, तो जहाँ जितने भी घर हैं सब ने पैसे डाले हैं इस रेस्टोरेंट को बनाने में। अब क्या मेंबरशिप बन गई इस एसोसिएशन के, जो रेजिडेंट्स हैं इसकी, इनको तो नॉमिनल चार्जेस पे हर चीज़ मिलती है, खाना वाना, पार्टी करो, और जो इसके पार्ट नहीं है उनको भी अलाउड है यहाँ ना, पर उनके पूरे पैसे लगते हैं। तो बहुत बढ़िया बना रखा था उन्होंने। अब जो घर लेगा वो ऑटोमेटिकली उस उस रेस्टोरेंट के मेंबरशिप में आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ऐसा। तो वो पैसे जो बेचने वाला ले रहा है वो इस चीज़ के भी ले रहा है, तो इस चीज़ के ऊपर भी टीडीएस है, क्या दिक्कत है? पैसे वो पार्किंग के, मेंटेनेंस के, एडवांस फीस के, कोई ऐसे फैसिलिटी के हों, सब मिला के जो पैसे घर के अगेंस्ट लिए जा रहे हैं ना, उस पर टीडीएस कटेगा। वरना लोग यही करते थे, घर की सेल कम दिखा देते थे, कहते थे जी पार्किंग के 3 लाख है वो तो लगी है सर, वो उसकी मेंबरशिप के इतने पैसे हैं वो तो लगे सर, वो सब बीच में जोड़ के टीडीएस कटेगा। क्लियर। कल को आप कह दोगे जी यहाँ तो लोन बनाया है, लोन के 4 लाख इसमें जुड़े हुए वो लगे सर, 4 वो भी जोड़ ले भाई, सब पे टीडीएस है। नहीं तो लोग जानबूझ के ना इन चीज़ों को क्या बता देते थे, एक्सक्लूड करके बाकी अमाउंट घर का बता के टीडीएस बचा जाते थे। ठीक है, अब ये सब कुछ इंक्लूड है। ओके, आगे चलो। रेट ऑफ टीडीएस कितना होगा? 1%, और 20% होगा अगर आपने पैन नंबर नहीं दिया सेलर का। एग्जम्पशन, प्रॉपर्टी 50 लाख या उससे कम की है तो छोड़ो, 50 लाख या उससे ज़्यादा, 50 लाख से कम है तो टीडीएस नहीं, 50 लाख होते ही टीडीएस कटेगा। और प्रॉपर्टी बाय लॉ एक्वायरी है तो छोड़ो, उसका रूल अलग है, अगले पेजों पे पढ़ूंगा। प्रॉपर्टी एक्वायर होती है ना तो उसका एलए सेक्शन है, 194 LA आगे आएगा। जैसे सरकार छीन लेती है ना, कंपनसेशन देती है, उसका LA सेक्शन है, वो आगे है। ओके, इमोल प्रॉपर्टी गांव की है, यानी रूरल एग्रीकल्चर लैंड बेचोगे तो नहीं कटेगा टीडीएस, माफ है।
और सरकार ने एक्वायर की प्रॉपर्टी 50 लाख से ज़्यादा की तो भी नहीं लगेगा, उस पर अलग रूल है क्या 194LA। नेक्स्ट लगेगा कब, जब पेमेंट मिलेगी या बुक्स में एंट्री होगी विच एवर इज अर्लियर। लेकिन आईए नहीं लगता अगर कंपल्सरी एक्विजिशन की सरकार ने, बताया ना मैंने अभी, उस पर क्या लगेगा 194LA लगेगा, उसका सेक्शन आगे आएगा। आईए क्या कहता है, कहता है कि सरकार को 30 दिन में दे दो टैक्स। 30 दिन कब से गिनने है बताया, जिस महीने प्रॉपर्टी ली दी गई उसके खत्म होने के बाद 30 दिन। अप्रैल में ली गई तो कब, अगस्त मई 30 तक। ये कह रहा है जैसे एग्जांपल 26 क्यूबी चलान कम स्टेटमेंट कह लो या रिटर्न कम चलान कह लो, कुछ कह लो, चलान कम स्टेटमेंट कह लो, 26 क्यूबी फॉर्म जाता है ऑनलाइन। कह रहा है 17 अगस्त 21 को क्या कहता है, आपने पेमेंट दी उसके 30 दिन, अगस्त का महीना छोड़ दो, 30 दिन कब होते हैं, सितंबर 1 से लेके 30 सितंबर तक, आपको 30 दिन गिनने 31 अगस्त के बाद, तब तक यानी कि 30 सितंबर तक आप टैक्स जमा करवा दो 26 क्यू बी फॉर्म के थ्रू। कहता है अमाउंट जो डिडक्ट होगा इलेक्ट्रॉनिकली जमा होगा, मैनुअली का तो काम ही खत्म है इसमें, और ट्रांसफर ट्रांसफरी दोनों के पास क्या होना चाहिए, पैन, 10 नंबर लेने की जरूरत नहीं, मैं काटूंगा TDS, मेरे पास पैन होना चाहिए, और जिसका कटना है जमा कहाँ कराऊंगा उसका क्या होना चाहिए, पैन। अगर वो कहता है पैन ना दूँ तो ना दे, 20% काट लूँगा। बाहर पूछ रहा है सैलर को, भाई साहब पैन दे दो, कहता ना हो तो, कहता कोई बात नहीं 12 लाख काट लेते हैं, 60 लाख का 20%, क्योंकि बिना पैन के 20% है। वो तो भागा फिरेगा, ना हुआ तो भी अप्लाई कर देगा, कहता 5-6 दिन बाद कर लेंगे डील फाइनल, हफ्ते में आ जाता है। चलो कहता है क्या, पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिडक्टिंग टैक्स, बार जिम्मेवार है, कौन सा फॉर्म इश्यू करेगा वो सैलर को, 16B, मैंने अभी बताया, बाकी सब में पीछे 16A था, इसमें कौन सा फॉर्म 16B, 15 दिन में चलान जमा होने के 15 दिन में ये ये फॉर्म है 16B, सबूत है कि मैंने तेरा टैक्स काटा है, ये ले भैया सबूत, कौन सा फॉर्म 16B। बाकी लोग क्या कर रहे थे अब तक, 194C में, आई में, 193, 194, 194A, सब में क्या चल रहा था, 16A चल रहा था। आगे चलो, एग्रीकल्चर लैंड मींस एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया, एग्रीकल्चर लैंड गांव वाली 2 किलोमीटर 6 किलोमीटर 8 किलोमीटर का रूल याद है, उसकी रेंज के परे हो शहर से, वो डिपेंड करता है ना, 10,000 से 1,00,000 आबादी वाले एरिया से कितनी दूर हो, 2 किलोमीटर, 1 से 10 लाख वाला बड़ा शहर है उससे 6 किलोमीटर दूर हो, और 10 लाख से ऊपर आबादी वाला शहर तो बहुत ही बड़ा होता है, उससे कितनी दूर हो, 8 किलोमीटर दूर हो, तो वो एग्रीकल्चर लैंड रूरल एरिया में मानी जाती है, और उसको अगर 50 लाख से ऊपर खरीदा जाए तो भी TDS काटने का रूल नहीं है। समझ आया, क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ लेते हैं, थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है खत्म हो जाएगी, इंपॉर्टेंट सेक्शन था ये वाला, ठीक, और जो कन्फ्यूजन का पॉइंट है मैंने वो भी बता दिया, बड़े लोगों को इसमें कन्फ्यूजन रहती है, तो आप सबको सही सलाह देना भाई साहब, कटो TDS, सोचने की बात नहीं है, मिल जाएगा कटा हुआ TDS, ठीक है। कई बार लोग ना, लोगों को ऐसी सलाह इसलिए भी देते ना काटने की, वो सोचता जी मैं दूंगा तो वो बंदा खुश होगा, भी इस बंदे ने सही गाइड किया है, ऐसा भी होता है कुछ नई बात करने के लिए, भैया ये बंदे ने पहली बार बताया भी हाँ ना काट, क्योंकि केस है इस पर ट्रिब्यूनल में, ये वो ऐसा करके, जो केस है ना ट्रिब्यूनल में वो सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, पहली बात, जब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ जाए ना वो लॉ ऑफ लैंड ही बन जाता है, उसको कोई कोर्ट भी चैलेंज नहीं कर सकता। मान लो किसी कोर्ट में झगड़ा चल रहा है, ला के दिखा दो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, ले भाई दिक्कत है सुप्रीम कोर्ट में नहीं हुआ ना, तो लोअर कोर्ट्स में हुआ है, तो वो पलटे जाते, उल्टे पुलटे होते रहते हैं फैसले, चक्कर ही है। चलो क्वेश्चन नंबर 22, मिस रीता ने अपनी प्रॉपर्टी चंडीगढ़ वाली और उसके साथ एग्रीकल्चर लैंड भी, जो कि क्या है नॉन स्पेसिफाइड एरिया, मतलब रूरल एरिया में है, वो बेची 60 लाख की 15 लाख, लैंड को तो कर दो किनारे, लैंड तो है माफ, रही प्रॉपर्टी चंडीगढ़ वाला घर, कितने में बेचा 60 लाख का। रीता ने किसको बेचा ये घर, ये घर बेचा है टू मिस्टर सुरेश रैना, 1 अगस्त 21 को सुरेश रैना को 60 लाख का घर बेच दिया। रीता ने ये घर 1 अप्रैल 20 में 40 लाख का खरीदा था, अभी 1/4/20 में खरीदा था ये घर, कब बेच दिया इसने 1/8/21 को, यानी 1 साल और 2-4 महीने हुए हैं, 2 साल से कम घर क्या होता है शॉर्ट टर्म, सेक्शन 2 क्लोज 42A, सेक्शन 2 22
249A और 242A लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म की डेफिनेशन देते थे, लॉन्ग टर्म असेट्स और शॉर्ट टर्म असेट्स। उसके अकॉर्डिंग 2 साल से ज्यादा बड़ा पीरियड क्या होता है? लॉन्ग टर्म, घर के मामले में, वरना क्या? शॉर्ट टर्म। 222 डीम डिविडेंड का था, चलो 229A और 242A लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म। रीता ने तो कितने टाइम में बेच दिया? 1 साल और 4 महीने। एग्जाम में करना पड़े, अगर पूरा श्योर ना हो तो सेक्शन मत लिखना, क्योंकि गलत लिखने का नेगेटिव इफेक्ट हो जाता है, एग्जामिनर को लगे अंदर गलती लिखा होगा, जब सेक्शन तो उल्टा लिखा है। ना लिखना, और अगर सही पता है तो जरूर लिखना, ठीक है, थोड़ा अच्छा रहता है, इंप्रेशन अच्छा जाता है, ये चीज़ें। चलो क्या कहता है यहाँ पे, 40 वाला घर रीता ने 60 लाख में बेच दिया, देखा जाए तो रीता को 20 लाख रुपए का क्या गया? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। आगे बढ़ो, प्रॉपर्टी छोड़ो, एग्रीकल्चर लैंड छोड़ो, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 1821 को कितनी? 85। अच्छा, रीता ने बड़ा सस्ता बेचा है, 60 लाख का बेचा है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी इसकी? 85 लाख रुपये। ओके, तो ये कह रहा है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 85 लाख रुपये। ओके, तो कहता है एग्रीकल्चर लैंड की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू छोड़ो, बोलो रीता के लिए गेन कितना आएगा? पहली बात तो टीडीएस कितना कटेगा, पहले टीडीएस ना भूल जाएं। टीडीएस क्वेश्चन नंबर 22 अंडर सेक्शन 194IA टू बी डिडक्टेड बाय मिस्टर रैना। मिस्टर रैना को टीडीएस एक्चुअल पे काटना है, एक्चुअल प्राइस क्या है? 60 लाख। 60 लाख पे कितना? 1%। कितना? 60। कोरोना में 0.75 चल रहा था, अब कोरोना जा चुका है तो 60,000 रुपये पूरा कटेगा, ठीक, यानी कि 60 लाख। अमाउंट एक्चुअल पेबल टू मिस रीता बाय रैना, तो रैना कितने पैसे देगा? 60 लाख एक्चुअल वैल्यू है, 60,000 टीडीएस कटेगा, कितने पैसे देगा? 59,40,000, ठीक है, और 56 to 10 लगेगा रैना पे, गिफ्ट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ रैना। रैना को 56 to 10 पकड़ेगा, हाँ, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 85 लाख प्रॉपर्टी की, 85 लाख, और सेल कंसीडरेशन कितना? 60, या परचेज प्राइस कह लो, कितना? परचेज प्राइस 60, कंसेशन कितनी है बोलो? 25। 50,000 से ज़्यादा भी है, 60 लाख का 110% तो 66 लाख बनता है, तो यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ग्रेटर है 110% ऑफ एक्चुअल कंसीडरेशन के, एक्चुअल कंसीडरेशन के 110% से क्या है? ज्यादा, तो ये रैना के लिए 25 लाख रुपए क्या हो जाएगा? अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा, टैक्सेबल अंडर अदर सोर्सेज। फंस गया ना रैना, ये अदर सोर्सेज 56 to 10 लग गया रैना पे, बोलो कोई डाउट? और मिस रीता के लिए बोलो, मिस रीता के लिए सेल कितनी मानोगे? अंडर सेक्शन 50C सेल कंसीडरेशन कितना मानना? 85, क्योंकि 60 वाली चीज 85 स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू की, 110% से ज्यादा, तो 85 माइनस कॉस्ट क्या इसकी? अभी भी खरीदा है, शॉर्ट टर्म है, ये शॉर्ट टर्म असेट है, कितना? 40। 45 लाख का कौन सा गेन आ जाएगा रीता के लिए? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितने लाख का आ जाएगा रीता के लिए? 45 लाख रुपए का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा, बोलो कोई डाउट? रीता के हाथों में 45 लाख का शॉर्ट टर्म, सुरेश रैना की बात करें 25 लाख अदर सोर्सेज, रैना ने टीडीएस काटना है 60,000 रुपये, रूरल एग्रीकल्चर लैंड पे कैपिटल गेन माफ है, क्योंकि रूरल एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल असेट नहीं होती। पढ़ा था ना, कंप्लीट सेक्शन 194IA हो जाएगा। IB सेक्शन पे चलो, नेक्स्ट पेज पे हटा दूंगा, ये चले IB। बाकी ना हमारी बुक इस दुनिया में ज्यादा इस तरह के केसेस डिस्कस नहीं करता है, जब आप CA फाइनल में आएंगे तो वहां पे यही चीज
यही सब कुछ होगा, वो केस बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा रखता है फिर एग्ज़ाम में। हमारे इंटरमीडिएट लेवल में ज़्यादा इस तरह की डिस्कशन नहीं है, आप फिर भी थोड़ी बहुत कर लेते हैं, थोड़े थोड़े बीच में केसेस डिस्कस नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से। 194 आईबी क्या कहता है? अच्छा एक बात बताओ, 194 में 194 आई किसका था? किसका था? रेंट पेमेंट, TDS ऑन रेंट पेमेंट। अगर TDS क्या है, अगर रेंट क्या है, इफ रेंट इज ग्रेटर देन रुपीज 2,40,000 पर एनम, कितना TDS था? टेनेंट काटेगा, लेकिन टेनेंट कौन काट सकता है TDS? वहां था फर्म कंपनी तो हमेशा काटेंगे, फर्म कंपनी गवर्नमेंट ऑलवेज एलिजिबल, ऑलवेज एलिजिबल टू डिडक्ट TDS। अगर 240 से ऊपर है तो काटेंगे काटेंगे, लेकिन इंडिविजुअल HUF क्या सीन था वहां पे? वहां इंडिविजुअल HUF में सीन था, इफ प्रीवियस ईयर 2021 में सेल क्या हो 1 करोड़ से ज्यादा, या फीस क्या हो तो काट सकते हैं ना TDS। मान लो वंशिका किसी को किराया दे रही है 1,00,000 रुपए महीना, 12,00,000, 2,40,000 से ज्यादा हो गया, लेकिन वंशिका के इंडिविजुअल और इनकी दुकान नहीं है, पिछले साल सेल ही नहीं थी, या चलो थी सेल 1 करोड़ से कम थी, या फीस 50,00,000 से कम थी, तो 194 आई तो लगा ही नहीं इन पे, क्योंकि 194 आए फर्म कंपनी और सरकार को तो हमेशा कहता है 240 से ऊपर रेंट है तो काटो 10% TDS मालिका, मशीन पे 2%, फर्नीचर बिल्डिंग पे 10, लेकिन वंशिका की तो सेल थी नहीं 1 करोड़ से ज़्यादा, या प्रोफेशनल तो फीस 50,00,000 से ज़्यादा थी नहीं, तो वंशिका 194 आई से बच गई ना सरकार की, थी तो बहुत गलत बात है। 1,00,000 रुपये का किराया दे के TDS ना कटे तो ये तो अच्छी बात नहीं है, तो सरकार स्कोप ढूंढ रही है भी कोई और रूल बना दे वंशिका पे, यानी 194 आई भी ले आओ, ऐसे इंडिविजुअल HUF पे ले आओ जो 194 आई से बच गए हैं, उनको कहाँ पे फंसाओ? 194 आई भी, यानी एक ऐसा बिजनेसमैन जिसकी सेल 1 करोड़ से कम है या फीस 50, या बिजनेसमैन है ही नहीं, बिजनेसमैन है ही नहीं, आप तो नौकरी करते हो और आपने किराए पे बिल्डिंग ले ली, किसी को किराया दे रहे हो 1,00,000 रुपये महीना, 70,000 रुपये महीना, 60,000 रुपये महीना, किराया तो 240 से ज़्यादा है, पर आप TDS नहीं काट सकते, नहीं काटा, आपके लिए बनाया आई भी। ऐसे इंडिविजुअल HUF जो जिनकी ऑडिट नहीं होती, ऐसे इंडिविजुअल HUF हुज टर्नओवर इन प्रीवियस ईयर 2021 क्या है, इज लेस देन 1 करोड़, और फीस क्या है लेस देन 50,00,000, और हैविंग नो बिजनेस, जिनका बिजनेस ही नहीं, प्रोफेशनल है ही नहीं, तो उनका तो देखना भी नहीं, वो उन पे, इन लोगों पे 194 आए नॉट एप्लीकेबल हो गया, 194 आए नॉट एप्लीकेबल हो गया, तो ऐसे लोगों पे कहता है 194 आए बी मे बी एप्लीकेबल, ऐसे लोगों को फंसाया गया है जो 194 आए से बच गए, उनको कहा गया आई बी लग सकता है, अगर तुम प्रॉपर्टी पट्टे पे लेते हो या किराए पे लेते हो और आपकी ऑडिट नहीं होती, इसलिए 194 आई नहीं लगा, लेकिन आप किराया क्या देते हो 50,000 रुपये महीने से ज़्यादा, 194 आई बी लग सकता है इफ रेंट पेड अबव रुपीज 50,000 पर मंथ। अगर आप किराया कितना देते हो 50, यानी साल के 6,00,000 से ज़्यादा, 6 महीने किराए पे आए तो 3,00,000 से ज़्यादा, मतलब जब जितनी देर किराए पे रहे 50,000 महीने से ऊपर किराया देते हो, और TDS वैसे काटना था 194 आई में, लेकिन आप नहीं काट पाए क्योंकि वो आपकी सेल 1 करोड़ से कम थी, या फीस 50 से कम थी, या आप बिजनेसमैन ही नहीं हो तो नहीं काट पाए 194 आई में, तो आपके लिए कौन सा तैयार है आई बी। अगर 50,000 से ऊपर किराया देते हो तो आई बी में TDS काटना होगा, TDS आई बी लगेगा 5% किसका, TDS कितना 5% ऑफ टोटल रेंट पेबल, पेड और पेबल,
फॉर होल पीरियड। कब काटना है? व्हेन टू डिडक्ट टीडीएस, या तो एट लीविंग हाउस, जब घर खाली कर रहे हो, और एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ लास्ट मंथ, जब लास्ट मंथ की पेमेंट दे रहे हो आप, यानी मार्च में काट लो, सीधी बात है। यानी अगर या तो आप खाली कर रहे हो, मान लो 31 जनवरी को खाली कर रहे हो, तो जनवरी में काट लो, खाली नहीं कर रहे तो मार्च एंड में साल खत्म होगा, मार्च एंड में काट लो टीडीएस। काटना कितना है? साल का रेंट का 5%, पर ये रेंट एक महीने के किराए से ज्यादा ना हो, ये टीडीएस एक महीने के किराए। जैसे मान लो 60,000 रुपये महीना किराए पे ले लिया आपने, साल का किराया 720, इसका 5% टीडीएस कितना कटेगा? थोड़ा ही होगा, मामूली होगा, कितना होगा? 36। लेकिन अगर नो टीडीएस प्रोवाइडेड, अगर सामने वाले ने टीडीएस बाय लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड टीडीएस नहीं देता, तो आप ये 60,000 पर मंथ 12 महीने का कितना, 720, उसका 20% टीडीएस काटोगे तो बहुत बन जाएगा, 1,44,000 बन जाएगा क्या? नहीं, मैक्सिमम 1 मंथ के रेंट से ज्यादा नहीं, इसमें ही बनेगा ज्यादा, तो इसमें 5% में तो बढ़ेगा ही नहीं, इसमें बनेगा। जब वो पैन नंबर नहीं देगा ना लैंडलॉर्ड, घर का मालिक, तो आप टीडीएस की रेट यहां पे 5% से बढ़ा के क्या कर दोगे? 20, और वो बहुत ज्यादा बन जाएगा, तो लास्ट में बंदा बढ़े कहां से? मान लो मार्च का किराया दे रहे हो, तो मार्च का किराया ही सारा रोक सकते हो, इससे ज्यादा तो नहीं, वापिस जाके लेना फरवरी वाले जनवरी वाले मुश्किल है, तो सरकार कहते एक महीने से ज़्यादा किराया चल रहने दे, इतना ही बहुत है, टीडीएस काट ले मैक्सिमम कितना तू रहने दे, एक महीने के रेंट के बराबर, यानी 50,000 मैक्सिमम टीडीएस काट ले, इससे ज़्यादा काटने को हम कहते भी नहीं। 60 है किराया क्या? 60 जो भी है, 50 तो वो है कि ये रूल ही कब लगेगा, जब किराया क्या होगा हर महीने 50,000 से ज़्यादा। तो 194 IV याद रखो कब लगेगा, एक इंडिविजुअल HUF के लिए बनाया वो, और कौन से इंडिविजुअल HUF? जो बिजनेसमैन नहीं है, या ऐसे इंडिविजुअल HUF जो बिजनेसमैन तो है पर दुकान की सेल 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, या फीस 50 लाख से ज़्यादा नहीं है, उनके लिए बना है ये सेक्शन कौन सा, 194 IV, जो कहता है कि अगर आप रेंट पे करते हो, उस रेंट पे टीडीएस काटना है, कितना लास्ट में काटना है, कितना 5% काटो। कब काटना है? जब घर खाली करके जा रहे हो, लास्ट किराया दे रहे हो उसमें से काट लो, नहीं खाली कर रहे तो ईयर एंड पे मार्च में काट लो। लेकिन सामने वाला लैंडलॉर्ड अगर पैन नंबर ना दे तो कितना काट लो किराए का, साढ़े साल के किराए का 20%, पर ये 20% एक महीने के किराए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकार को पता है बेचारा किराएदार फंस जाएगा वरना। जैसे ये हालत हो, आप 1,44,000 कहाँ से भरोगे? वो देगा के, हाँ भाई दे भाई तेरा भरना है मुझे टीडीएस, देगा वो? काटना है पेमेंट में से, और लेके कहाँ से भर देगा? तो सरकार भी समझती है बेचारा प्रॉब्लम में आ जाएगा किराएदार, तो एक महीने के किराए से ज़्यादा नहीं भरना, बस 60 भर दे बहुत है। और इसमें भी किराएदार के पास पैन नंबर होना चाहिए, बस 10 नंबर लेने की जरूरत नहीं है। और इसमें भी क्या, चलान कम स्टेटमेंट जमा होगी वही 30 दिन के अंदर, इस महीने के 30 दिन के अंदर। और कौन सा फॉर्म जाएगा? वहां 26Q भी था, यहां 26QC जाएगा, 26QB की जगह 26QC जाएगा, सेम वही बात है, बस QB की जगह क्या हो गया है QC। और वहां 16B इशू करते थे ना 15 दिन में, यहां 16C कर देना, एक एक स्टेप आगे बढ़ गया। सामने वाले लैंडलॉर्ड को आप कौन सा सबूत दोगे? फॉर्म 16B देते थे IA में, बाकी सब में 16A देते थे, यहाँ पे क्या 16C। चलो तो पढ़ लो एक बार, नोट्स में पढ़ लो, 194 IV सेक्शन खत्म हो गया। बस क्या कहता है, रेंट का मतलब लीज रेंट कहो, टेनेंसी राइट के बदले में कहो, यूज ऑफ प्रॉपर्टी का रेंट कहो, एक ही बात है, रेंट है ये। और एक इंडिविजुअल HUF जिनकी ऑडिट नहीं होती वो इसमें कवर हैं,
ठीक ऑडिट नहीं होती या सेल कम है या दुकानदारी नहीं है। पेमेंट कैसे करनी है, चेक ड्राफ्ट से, पेमेंट बाय कैश, चेक जैसे भी करो, किराया भरते हो आप, रेजिडेंट आदमी को किराया दे रहे हो, 5% रेंट पेबल जो है उसका TDS काट लेना। काटना कब है, साल के लास्ट मंथ में, या आप खाली करके जा रहे हैं किराएदार तो जब खाली करके जा रहे हैं तब, या जब वो किराया दे रहा है, मान लो किराया एडवांस होता है कई बार तो तब काट लो। सरकार कहती है हमें क्या जल्दी भी चोरी कर लिया, जल्दी टैक्स आ जाए तो बढ़िया है, कहता है जब वो लास्ट मंथ है साल का तब, या घर खाली कर रहे हो जिस महीने खाली करके जा रहे हो तब, या फिर अगर एडवांस रेंट लेते हो तो रेंट रिसीव, विच एवर इज रेंट पेड, विच एवर इज अर्लियर, ये चीज़ ठीक है। और कहता है एक ही बार काटना है सीधा, बस बार बार नहीं, एक बार सीधा, या तो साल के एंड में, या जब साल भर का किराया दे रहे हो तब, या फिर कब खाली करके जा रहे हो तब किराया दे के जा रहे हो हिसाब करके तब, ठीक। 10 नंबर लेने की जरूरत नहीं है, हाई रेट अगर पैन नहीं देगा ना मालिक तो 20% TDS काट लेना, पर 20% के हिसाब से इतना ज़्यादा ना बन जाए कि लास्ट मंथ के रेंट से ज़्यादा ना बन जाए, ठीक। कब काटना है, जब 50,000 महीने से ज़्यादा किराया हो तो। फॉर्म कौन सा भरना है, 30 दिन मंथ एंड के जिस महीने आप ये किराया भर रहे हो लास्ट, या खाली करके जा रहे हो उस महीने के बाद 30 दिन में ये 26QC चलान कम स्टेटमेंट और सबूत के तौर पे अगले 15 दिन में 16C इशू कर दोगे किसको, लैंडलॉर्ड को। समझ आया, एक क्वेश्चन देख लो समझ जाओगे, इससे हटा दूं। थोड़े लेंथी वाले ये ना, 192, 194C, 194I, IA, IB, ये थोड़े बड़े डिटेल्ड हैं ये कुछ सेक्शन, बाकी छोटे छोटे हैं। चलो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 23, ये क्वेश्चन से याद रहते हैं अच्छे से। कहते हैं सैलरीड इंडिविजुअल है, वही बात, बिजनेस करता ही नहीं तो 194I तो लगना ही नहीं। सैलरीड इंडिविजुअल है, 55,000 रुपये वाई को किराया दे रहा है, जून 20 से किराया दे रहा है, यानी कि जून 21 से किराया दे रहा है, इनकम टैक्स में यही चक्कर है, एक छोटी सी डेट ही बहुत क्वेश्चन को बदल देगी। पढ़ो, मिस्टर एक्स एम्प्लॉई है, 55,000 किराए पे दिए, घर लिया है जून 21 को, यानी कि अप्रैल मई में कोई घर ही नहीं किराए पे, जून से किराया चढ़ा है, और कहता है बोलो TDS कटेगा 55,000 किराया है। कहते हैं सो व्हेन, TDS कब काटना चाहिए तो बताओ, हाँ जी बोलो। अगर जून 1 जून 21 से 31 मार्च 22 चलता हूँ तो कितना TDS बनेगा, TDS बनेगा 55,000 रुपये महीना, 10 महीने का किराया बनेगा जून से लेके मार्च, अप्रैल में छोड़ दो, इसका 5% कितना बनेगा, 2,750 टू बी डिडक्टेड बाय टेनेंट इन मार्च 2022, लास्ट मंथ में काट लो, बाकी जमा करवा दो, मार्च में काटोगे तो 30 दिन मार्च के बाद, यानी 30 अप्रैल तक QC भर देना, 30 अप्रैल तक इस केस में फाइल एंड पे थ्रू 26QC अप टू 30th अप्रैल 2022 एंड इशू 16C टू लैंडलॉर्ड को 16C दे देंगे विद इन नेक्स्ट 15 डेज, 15 QC इशू होने फाइल करने के बाद 15 दिन में आप सबूत उसी से जनरेट हो जाएगा, दे देना। आगे कहता है तब आंसर क्या होगा अगर 31 नंबर 21 को खाली कर दे तो भाई इसका फर्स्ट पार्ट, अगर 1 जून 21 से लेके 31 नंबर 21 की बात करें तो क्या कहता है, कितना 55,000 रुपये महीना, 7 महीने बनेंगे ना, अप्रैल में है नहीं, इसका 5% जितने महीने मर्जी बने, किराया 50,000 रुपये महीने से ज़्यादा है ना, कोई टोटल अमाउंट तो है ही नहीं, 50,000 से ज़्यादा किराया, जब खाली करेगा उस मंथ का जो लास्ट मंथ है जब खाली कर रहा है उसका 5% करना, 19 और QC टू बी फाइल्ड, QC फाइल होनी चाहिए अप टू कब तक, 30 जनवरी 22
दिसंबर में खाली कर रहा है, टीडीएस काटेगा, अगले 30 दिन में क्या है क्यूसी फाइल करनी है, 15 दिन के अंदर क्यूसी फाइल करने के क्या 16 सी उसको एविडेंस देना है। कहता है तब क्या हो अगर वो पैन नंबर प्रोवाइड ना करे तो, पैन ना प्रोवाइड करे तो क्या होगा पहले सिचुएशन में, इसमें इफ नो पैन प्रोवाइडेड, नो पैन प्रोवाइडेड पहले वाली सिचुएशन, अगर वो पैन नहीं देता 10 महीने का किराया लो, टीडीएस कितना बनता है 55,000 10 महीने का और उसका कितने परसेंट 20, तो कितना बनता है 1/10 नहीं, मैक्सिमम टीडीएस कितना रहेगा यहाँ 55, एक महीने के किराए से ज़्यादा नहीं। इस सिचुएशन में इफ नो पैन प्रोवाइडेड, इफ नो पैन प्रोवाइडेड बाय सेलर, तो आप करना 55,000 टीडीएस कितना काट लेना 55,000 सात महीने का और उसका 20%, 77 नहीं, मैक्सिमम टीडीएस कितना काट सकते हो इससे ज़्यादा नहीं, एक महीने के किराए से ज़्यादा नहीं, दोनों सिचुएशन में 55-55 काट लेना, सही है, इसमें दिसंबर में उसमें मार्च में, मार्च 22 में ख़त्म हो गया। 194 आई बी, बोलो कोई डाउट आई बी और आई ए में किसी को प्रॉब्लम, समझ आया? क्लियर, आगे चलो। आईसी क्या कहता है, 45(5)(a) याद है किसी को, 45(5)(a) किसी का था कैपिटल गेन में, सेक्शन 45 सब सेक्शन 5 तो कंपलसरी एक्विजिशन का था, हाँ जी जेडीए का था, जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट, जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट सेक्शन था एक 45(5)(a) जॉइंट डेवलपमेंट, हाँ जी अब याद आया ये जेडीए क्या था, क्या एक आदमी अपनी जमीन या कोई खंडर या कोई पुरानी बिल्डिंग किसको दे देता है, सामने वाले डेवलपमेंट करने वाले बंदे को या कंपनी को, कहता है लो जी मेरी ज़मीन या ये घर या जो जो भी बिल्डिंग है जो भी है तुम इसमें डेवलप कर लो, बदले में वो क्या देंगे उसको, या तो फ्लैट फ्लूट या बनी हुई डेवलप एरिया या कैश या दोनों थोड़े थोड़े हो सकते हैं, मिलता है उसमें रूल होता था अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद आपको मिली चीज़ आपने बेची तो आपको टैक्स तब लगेगा जब कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला उस वक्त की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के हिसाब से और तब का तब देखेंगे, लेकिन अगर आपने पहले बेच दी तो जिस दिन आपने ये ट्रांसफ़र की है ना प्रॉपर्टी उसको किसी जॉइंट डेवलपर को उसी दिन गेन निकाल लेंगे, याद है? चलो उसमें मुझे नहीं जाना क्या था वो तो कैपिटल गेन में पढ़ लेना, मैंने तो मीनिंग याद दिलवाया 45(5)(a) में। अब ये क्या कहता है 194(IC) सेक्शन क्या कहता है, ये सेक्शन कहता है कि अगर 194(IC) में इफ कैश या बैंक रियलाइज्ड अंडर JDA ज्वाइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट में क्या मिला बदले में, फ्लैट फ्लूट मिले उस पर TDS नहीं, सामने वाला आपको क्या दे रहा है कैश या चेक दे रहा है, आपकी जमीन को डेवलप करने वाला कहता है ये लो बदले में 10 फ्लैट ले लो, वो उसकी उस पर TDS नहीं, काइंड में है तो, कंसीडरेशन काइंड में है तो नो TDS, इफ कंसीडरेशन इज इन काइंड अंडर ज्वाइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट देन नो TDS इज टू बी डिडक्टेड बाय पेयर, पेयर वो ज्वाइंट डेवलपर है ना वो TDS नहीं काटेगा, कब काटेगा अगर कंसीडरेशन किसमें है कैश चेक से आया तो उस पर TDS काटेगा, कितने परसेंट TDS काटेगा 10% TDS काटेगा, पैन नहीं दोगे तो 20 काटेगा, समझे? जब भी वो आपको कंसीडरेशन देगा उस पर 10% या बुक्स में एंट्री करेगा विच एवर इज अर्लियर TDS काटेगा 10%, आप प्रॉपर्टी आगे बेचोगे तो वो आपका कैपिटल गेन अलग आएगा वो एक अलग बात है। तो पढ़ो 194(IC) किस चीज का है,
कहता है कोई बंदा कंसीडरेशन दे रहा है, काइंड वाला मत गिनो, कैश और चेक से दे रहा है, तो किसके अंडर दे रहा है? वो ज्वाइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट में, आपकी लैंड देख के बदले में आपको जमीन दे रहा है उस पर तो टीडीएस नहीं, जो कैश दे रहा है चेक दे रहा है उस पर टीडीएस है कितने परसेंट? 10%। कहता है मीनिंग क्या है ज्वाइंट ये अग्रीमेंट का, ये वाला जो है स्पेसिफाइड अग्रीमेंट का, ये वही है कि पर्सन की लैंड और बिल्डिंग या दोनों पे किसी और को अलाउ कर रहा है, रियल एस्टेट वाले को प्रोजेक्ट लगा ले, प्लॉट काट दे, इसकी दुकानें बना दे, ये वो ऐसे। कंसीडरेशन में क्या मिल सकता है? डेवलप एरिया, लैंड, बिल्डिंग वगैरह मिल सकती है, कैश भी मिल सकता है। तो कोई भी पर्सन हो सकता है बेचने वाला, खरीदने वाला कोई भी। और कहता है कैटेगरी पे ही रेजिडेंट होना चाहिए बस, ठीक है, जो पे ही है जिसका जिसकी ज़मीन ली जा रही है वो क्या होना चाहिए रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट के लिए अलग रूल है, टीडीएस की रेट 10% है, अगर जो ज़मीन दे रहा है ज्वाइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट में उसके पास पैन नहीं है तो सामने वाला कितना टीडीएस काट लेगा? 20%, विच एवर इज अर्लियर का रूल है। 194IA एप्लीकेबल नहीं होगा अगर स्पेसिफाइड अग्रीमेंट है, जो 194IA कहता है कि 194IC में जाएंगे, कहता है सिंस टैक्स डिडक्शन एट सोर्स स्पेसिफाइड अग्रीमेंट 45(5)A वाले हैं वो 194IC में कवर हैं, यस प्रोविजन ऑफ 190IA 50 लाख से ऊपर वाले वो अलग कैटेगरी है। देखो अब एक स्टूडेंट कहता है जी उसने ना लैंड ली, किसी कंपनी ने राम की लैंड ली, उसको कहता है डेवलप करेंगे, बढ़िया बना के प्लॉट बेचेंगे, तेरे को 1 करोड़ दे देंगे। एक स्टूडेंट कहता है जी एक तरह से राम 1 करोड़ की जमीन बेच रहा है अपनी, तो वो सामने वाला 194IA में TDS काटेगा IC में, समझे ना, वो भी तो सेल परचेज ही होगी 1 करोड़ की। तो वो कह रहा है कि अगर ज्वाइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट हुआ है उसके अंडर डेवलप करके वो आपको कुछ बदले में फ्लैट और कैश देगा, चाहे वो कैश 50 लाख से ज़्यादा है, तो भी उसको आईए में ना ले जाना, उसे किस में लेके जाना है? IC। कोई इंडिपेंडेंटली सेल परचेज कर रहा है वो अलग बात है, इसमें आगे डेवलप कर रहा है, और पक्का इसमें ऐसा होता नहीं कि सारा ही कैश मिले, फिर तो सेल ही होगी ज़मीन की। मेरे को आप करो सर आपके पास ये ज़मीन पड़ी है शहर के अंदर, हम इसे डेवलप कर लेते हैं, बोलो ये लो पैसा दे देंगे आपको, फिर तो मेरा क्या रोल रह गया उस डेवलपमेंट में? आप तो मुझसे ज़मीन खरीद रहे हो, फिर तो वो IA में जाएगा 50 लाख से ऊपर। मैं कह रहा हूँ नहीं, आप कहते हो सर आओ मिल के डेवलप करते हैं, आपकी ज़मीन हम पैसा लगाएंगे, डेवलप करेंगे, प्लॉट काटेंगे, बीच में आपको इतनी दुकानें दे देंगे प्लस कैश दे देंगे। अक्सर ऐसा ही होगा। तो वो किस में कवर है? IC में। IC कहता है कैश कंसीडरेशन पे कितने परसेंट TDS काटना है? 10। पैन नहीं देगा सामने वाला सेलर तो कितना काटना है? 20। समझाया? ऐसा बहुत बार होता है, पार्टनरशिप भी होती है ऐसे कि मेरी ज़मीन तेरा पैसा मिलके पार्टनरशिप करते हैं, ऐसा भी होता है। एक ये बेगू रोड पे रिजॉर्ट बना हुआ है, बेगू रोड पे इनका है गोल, अच्छा मेरे स्टूडेंट रहे हैं, पूरा खानदान ही पढ़ाया हुआ इनका मैंने, छोटे बड़े सारे। अब और जो उनके आगे वाले आने वाली जनरेशन है जो पढ़े हुए हैं वो भी पढ़ने को आने को तैयार हैं। चलो तो ये काफ़ी ज़मीन थी उनकी, वहाँ बंजर खंडर पड़ी थी 3 भाइयों की। तो किसी ने कहा यार ऐसी पड़ी है, कौन सा पड़ी हुई ज़मीन तुमने बेचनी है? नहीं पड़ी हुई, कोई किराए पर चढ़ने लायक भी नहीं, क्योंकि खेती लायक भी नहीं, शहर में खेती करके करो भी कितना कमाई हो जाएगी। तो इनको किसी ने कहा यार ये बंदे खुद पैसा लगाना नहीं चाहते थे, भी प्रोजेक्ट लगाओ फेल हो जाए बर्बाद हो जाओ क्या फ़ायदा, बंदे सोचते हैं पैसा कर्जा लेके लगाए। तो क्या हुआ कि इनको किसी ने ऑफर किया शहर में, हमारे नेता हैं अब तो नहीं रहे बहुत पुराने, ये चेयरमैन भी रहे कमेटी के, इन्होंने कहा जी पैसा मैं लगाता हूँ, लैंड तुम्हारी, यहाँ पे क्या एक पैलेस खड़ा कर देते हैं। तो ऐसा ही हुआ, दो लोग मिल गए, एक ने पैसा लगाया ज़मीन तुम्हारी, 3 एकड़ ज़मीन शहर के बीच में बड़ी महंगी 1 करोड़ों रुपए की है, 3 एकड़ ज़मीन है, 9 एकड़ टोटल है, 3 बीच में वाली में बना है, इधर भी पड़ी है, इधर वो स्विमिंग पूल बना हुआ है वो अलग है। चलो 3 एकड़ बहुत महंगी होगी शहर के अंदर आ गई ना, तो सामने वाले ने पैलेस बनाया उस ज़मीन को, बेकार को बराबर किया, बाउंड्री लगाई, होटल बना दिया, सारा पैसा बनाने पर लगा इस बंदे का और ज़मीन उसकी, दोनों ने मिलके प्रोजेक्ट लगाया, फिर चलो बढ़िया है, इस बहाने खाली पड़ी थी, बढ़िया चला रहे हैं वो लोग,
बाकी चलना ना चलना वो तो बाय लक है कि कैसे चले ना चले, पर एक सिस्टम तो बन गया ना। वैसे बंदे के पास हौसला नहीं होता, पैसा होने ना लगा, कर्जा लेके लगाने से डरता है कहीं ना चला तो, समझाया ना, तो दिक्कतें होती हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है, पर ये JDA नहीं है, इसमें आपको कुछ नहीं मिल रहा, ये तो पार्टनरशिप में बिजनेस कर लिया उन्होंने। मैं तो कह रहा हूँ JDA कुछ कुछ ऐसा है जिसमें सामने वाला आपको बदले में दे के आउट कर देगा, मतलब उसमें कोई बिजनेस में पार्टनरशिप नहीं है। वो आपकी ज़मीन लेगा, उस पर प्लॉट काटेगा। हुड्डा वाले क्या करते हैं, हुड्डा वाले भी तो किसानों से बेकार ज़मीन छीन के, जिस पे खेती खास होती नहीं, कई बार खेती वाले भी ले लेते हैं, अच्छे पैसे किसान को दे देते हैं। अगर उस एरिया में 50 लाख रुपए एक एकड़ का रेट है, 60-70 दे देते हैं, किसान को भी क्या बुरा है। और वो क्या करते हैं, वहाँ रोड बना के, मिट्टी मुट्टी डाल के, सीवरेज लाइन डाल के, पानी के कनेक्शन दे के और बिजली की तारें डाल के हाउस नंबर लगा देते हैं और नक्शा बना देते हैं, उसका प्लॉट बेचते हैं, करते हैं ना। तो वैसे ही ये जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट में होता है, सामने वाला कहता है तेरी ज़मीन या बिल्डिंग या दोनों मेरे को दे दे, मैं इस पे प्लॉट बनाता हूँ, बीच में तेरे को थोड़े से डेवलप प्लॉट दे दूंगा, प्लस क्या दे दूंगा, कैश। अगर वो कैश दे रहा है तो क्या कटेगा, ज़मीन जिससे लेने वाला डेवलपर क्या कटेगा उस पर, 10% ADS कैश वाले पोर्शन पे, काइंड पे ये नहीं है। क्लियर, बोलो, समझाया, देखना क्या कहता है। कंसीडरेशन काइंड में हो तो नहीं कटेगा, कैश में होगा कटेगा, 10% कटेगा, IA में कवर नहीं होता ज्वाइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट, ये स्पेशल IC सेक्शन में कवर होता है। क्वेश्चन नंबर 24 देख लो तो ये पॉइंट और क्लियर हो जाएगा थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या, मिस्टर एक्स जिनकी जमीन है वो अपनी, मिस्टर एक्स के पास ओनर ऑफ लैंड है, ऑनर ऑफ लैंड जमीन है अपनी, ये अग्रीमेंट के अंडर एक्स जमीन किसको ट्रांसफर कर रहा है, मैसर्स ABC लिमिटेड को, क्या ट्रांसफर कर रहा है, लैंड ट्रांसफर अंडर ज्वाइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट, लैंड दे रहा है, रियल एस्टेट डेवलपर है, ABC क्या है, इसका काम ही क्या है, रियल एस्टेट डेवलपर, जमीनों को डेवलप करना और इस तरह कॉलोनी कलोनी बनाना, बन रही है ना एक कॉलोनी, वो जो बाईपास रोड है JCD के आगे जाके, जो बाईपास शहर के आउटर एरिया में, वहाँ एक कॉलोनी बन रही है, नाम नहीं पता उसका, बढ़िया कॉलोनी बन रही है वहाँ शहर के बार बार। अब आउटर एरिया में जाने का ट्रेंड शुरू हो गया है, क्यों, गाड़ियाँ वाड़ियाँ, पार्किंग बढ़िया, लॉन ग्रीनरी, टेम्परेचर भी कम है। हम लोग कई बार फ्रेंड्स राउंड लगा रहे होते हैं, कोई फ्रेंड बाइक वाइक पे, कई बार रात को जैसे ही यहाँ पे रेड लाइट चौक से इधर आते हैं ना, रेड लाइट चौक से ये वाला अपने इंस्टीट्यूट वाला रोड, वैसे ही हवा ठंडी लगने लग जाती है, बाजार की तरफ गर्मी होती है, इस रोड पे चढ़ती जैसे बरनाला रोड निकले अपने इधर इंस्टीट्यूट के आगे से, तो ऑटोमेटिकली हवा ठंडी फील होती, क्यों, क्योंकि बाकी एरिया में किचन्स के अंदर वो धुआं निकलता है, ACs की गर्मी है, इधर आगे सारे जंगल है, फार्म हाउस है सारा आगे जंगल है, आगे यूनिवर्सिटी है, उधर भी ग्रीनरी है, तो इधर तो फिर भी पूरी आबादी, एक तरफ ग्रीनरी है तो भी टेम्परेचर का फर्क है, अगर इधर भी ग्रीनरी हो उधर भी हो तो और ज़्यादा अच्छा हो। तो अब जो नई कॉलोनीज बन रही है वहाँ पे ग्रीनरी स्पेशल, हुड्डा में क्या है, ग्रीनरी ग्रीनरी है, सरकार ने जगह जगह थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे पेड़ लगाए, काट नहीं सकते, वहाँ आपके घर के आगे लगाए तो लगा रहेगा, लगा रहेगा। मैम ने पूछा, आपने एक प्लॉट दिया वहाँ के, या दो पेड़ लगे, मैंने कहा लगे रहेंगे, आप उसको छेड़ नहीं सकता, कोई एक्शन है, क्यों, क्योंकि वो हुड्डा का रूल है, अपने और लगा लेते हैं लोग, बड़ी अच्छी बात है, ग्रीनरी रहेगी तो सोसाइटी का सबका फायदा है, पार्क हैं बड़े बड़े। तो अब क्या हो रहा है, लोग ना शहर के बाहर जा रहे हैं, और इस तरह के केसेस आपको अक्सर देखने के मिलेंगे, जमीन वाला इतनी बड़े रिस्क नहीं लेता, कलोनी कलोनी काटे, इतना टाइम नहीं होता, पैसा नहीं होता, हिसाब किताब नहीं होता, एक बंदे के पास ज़मीन है तो उसको समझ नहीं आती क्या करूँ। मेरा एक दोस्त है, स्टडी तो जल्दी छोड़ गया, वो ग्रेजुएशन करके छोड़ गया, आगे पढ़ा नहीं, अब वो क्या करता है, और प्रॉपर्टी थोड़ी बहुत डील करता है, उसके पास ही हिसार रोड पे जगह पड़ी है, 35 फुट फ्रंट है, 15 लाख रुपए फुट रेट हो गया 35 फुट का, अब वो 6 करोड़ की कितने की बता रहा है, वो 7 करोड़ की बिकती है, वो इस चीज़ से परेशान है, कहता जी मैं इस पैसे पर टैक्स भरना पड़ेगा,
हिसाब किताब करना पड़ेगा, मैं पैसे संभाल लूँगा कैसे, दो नंबर में भी बिक्री है, थोड़े वाइट में दिखा दूँ, थोड़े दो नंबर वाले कहाँ रखूँगा। लोग इससे भी परेशान हैं, जिनके पास नहीं है वो परेशान है, जिनके पास है वो इसलिए परेशान है कि हिसाब किताब करना मुश्किल हो जाएगा, इनकम टैक्स का रफड़ा है, ब्लैक के पैसे कहाँ रखूँगा। भाई मान लो 6 करोड़ की है और वाइट में उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 1.5 करोड़ है, 1.5 करोड़ रुपए सरकार को टैक्स भर देगा उसी हिसाब से, 4.5 करोड़ रुपए पे टैक्स नहीं भरेगा तो वो बैंक में भी तो नहीं रख सकता पैसा, उसको कहाँ रखेगा, समझे ना। वो इसलिए परेशान है, कहता बेचना तो चाहता हूँ पर दिक्कत ही है, बेचू कैसे, कहाँ एडजस्ट करूँगा पैसे, क्योंकि आगे बड़ी प्रॉपर्टी खरीदना ब्लैक में, इतना कैश लेना देना दिक्कत है, रिस्क रहता है कैश उठा के जाना करना, तो कई दिक्कतें हैं। मतलब ये बड़े पंगे बड़ा आदमी कोई कर सकता है जो इनकम टैक्स और सारे रूल फॉलो कर पाए, प्रोफेशनल की हेल्प लेनी पड़ेगी, फिर फीस भी देनी पड़ेगी, सारी बातें हैं, काम ऐसे थोड़ी चलेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, एक्स ने किसको दे दी प्रॉपर्टी, एबीसी रियल एस्टेट डेवलपर को, एट द टाइम ऑफ अग्रीमेंट एक्स से बात होगी तेरे को 4 फ्लैट दे देंगे जिनकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है, 80 लाख, इसको बदले में क्या मिलेगा, इसको 4 क्या मिलेंगे फ्लैट्स हैविंग जिनकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी होगी, 80 लाख, 4 फ्लैट मिलेंगे और तेरे को साथ में क्या मिलेगा, इसके साथ ही क्या मिलेगा, कैश कितने रुपए, 35 लाख, दो चीजें मिलेंगी तेरे को। इसने 4 फ्लैट आगे बेच दिए मेक माई ट्रिप वालों को, होटल बनाएंगे पक्का, एक सीए लगा सिरसा का अर्पित भाटिया मेक माई ट्रिप में, मेरा स्टूडेंट है, तो ये पैकेज बुकेज बनाते हैं मेक माई ट्रिप के, घूमने फिरने जाना हो तो काफ़ी बड़ी कंपनी मेक माई ट्रिप, yatra.com, GoIBO, ये काफ़ी हैं मार्केट में, एक्सपीडिया जो भी। चलो ये क्या कहता है, इसने बंदे ने फ्लैट फर्दर सेल कर दिए, 4 फ्लैट फर्दर सोल्ड, कितने में बेच दिया आगे इसने फ्लैट, ये आगे बेच दी इसने, बस सोल्ड कर दिए इसने, 4 फ्लैट आगे बेच दिए। चलो अब बताओ ये क्या कहता है, टीडीएस किस पे कटेगा, इस पे टीडीएस है, काइंड पे नहीं, इन काइंड कंसीडरेशन मिल रहा है, इन काइंड कंसीडरेशन पे नो टीडीएस अंडर सेक्शन 194IC, कोई टीडीएस नहीं, इस पे टीडीएस टू बी डिडक्टेड बाय कौन कटेगा, मैसर्स एबीसी लिमिटेड काटेगी, कितना, 35 लाख रुपए का कितने परसेंट, कितने रुपए, 3.5 लाख रुपए टीडीएस काटा जाएगा, 80 लाख पे कोई टीडीएस नहीं, बोलो कोई डाउट, क्लियर, ये तो ये काटेंगे। अब एक बात बताओ, अब ये मेक माई ट्रिप को बेच रहा है 80 लाख वाली स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी, 80 वाली बेच रहा है, तो इसको जो ये मेक माई ट्रिप को सेल करेगा, सेल ऑफ 4 फ्लैट्स, ठीक, हैविंग उनकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है, 80, और ये बदले में इसको क्या देंगे, सेल कंसीडरेशन, ये क्या काटेंगे, मेक माई ट्रिप विल डिडक्ट टीडीएस ऑफ किसका, मिस्टर एक्स अंडर सेक्शन 194IA एट द रेट 1% कंसीडरेशन का। ये एक अगला पॉइंट आ गया, वो वाला पॉइंट तो ये है कि एबीसी वालों ने प्रॉपर्टी ली 35 लाख रुपए कैश दे रहे हैं, उस पर टीडीएस 10%, कौन से सेक्शन में काटेंगे, अंडर सेक्शन 194IC में काटेंगे 3.5 लाख रुपए, ठीक है, और वो मेक माई ट्रिप काटेगा 1% किसका, जितना का कंसीडरेशन होगा। अब कंसीडरेशन पता नहीं बता नहीं रखा, 80 लाख रुपए स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, अगर मानो कंसीडरेशन भी 80 लाख ही है, इसने आगे 80 में बेच दिए वो, ठीक है, फिर 80 लाख का 1% मेक माई ट्रिप, 50 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी ले रहा है तो इसे मेक माई ट्रिप टीडीएस काटेगा 1% एक्चुअल कंसीडरेशन दे नहीं रखा, मानो 80 लाख ही हो तो कितना कटेगा, 80 लाख का 1%, 80,000, सही है, बोलो IA IB IC। तो बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, अगला सेक्शन भी बहुत बड़ा है, ये CS वगैरह प्रोफेशनल लोगों का TDS कटता है वो है, इसके बाद जो सेक्शन पेज दिया 194J, जो नेक्स्ट पेज दिया ना 194J प्रोफेशनल लोगों का है, काफ़ी बड़ा सेक्शन है ये भी, जैसे मान लो CA ऑडिट करने जाता है, क्लाइंट फीस देता है, तो क्या क्लाइंट CA का TDS कटेगा,
आप एडवोकेट से काम करवा रहे हो, एडवोकेट को फीस देते हो तो क्या टीडीएस काटोगे? एडवोकेट साहब का याद रखना, आप टीडीएस काट पाओगे अगर आपकी इंडिविजुअल एचएफ में ऑडिट होती हो, वरना नहीं, वरना नहीं। और पेमेंट जो है 30,000 रुपये से ज़्यादा हो, छोटी मोटी पेमेंट पे नहीं, 30,000 से ज़्यादा की पेमेंट हो तो टीडीएस कटेगा। मान लो मेरे से कोई ऑडिट करवाने आया, पिछले 4 साल से करवा रहा है, कोई बंदा है मेरे से ऑडिट करवाने आया, 4 साल से करवा रहा है, मेरे को फीस देता है, कैसे काट लूँ टीडीएस आपका? कहता मेरी तो ऑडिट आप ही करते हो, आप कह रहे हो ऑडिट होती हो तो ऑडिट ही करते हो, कहते 1 करोड़ से ऊपर ही है मेरी तो ऑडिट करवा रहा हूँ, ऑडिट करते हो। मैंने कहा ऑडिट तो करता हूँ, एलिजिबल तो तू हो गया टीडीएस काटने के लिए, पर फीस 30,000 रुपये भी तो होनी चाहिए, 30,000 से ऊपर ऑडिट फीस होती तो काटता, तो नहीं काटेगा अगर फीस 30 से कम है तो। बैंक वाले काटेंगे काटेंगे, बैंक की फीस तो शुरुआत ही मतलब लगभग 80,000 से होती है एक छोटी से छोटी ब्रांच की भी, तो वो काटेंगे काटेंगे हमेशा, क्योंकि 30,000 से ज़्यादा हो जाएगी। और बैंक तो हमेशा ही, वो तो कंपनी है, काटेंगे ही वो हमेशा। 10% टीडीएस कटता है प्रोफेशनल बंदे का, वैसे थोड़ी बहुत फीस है तो नहीं कटेगा। जैसे ऐसी किसी दुकानदार की ऑडिट कर ली, 5,000 ले ली, किससे 8,000 ले ली, किसी बड़ी दुकान है 10,000 15,000 जैसे, उस पर कोई टीडीएस नहीं, 30 से ज़्यादा तो। क्लियर? तो वो प्रोफेशनल टेक्नीशियन डायरेक्टर जो पर मीटिंग फीस लेते हैं डायरेक्टर, वो प्रोफेशनल फीस है, सैलरी नहीं होती, सैलरी तो मंथली वाली होती है, तो मंथली वाली सैलरी तो 192 में आ जाएगी ना। वो जो फीस लेते हैं पर मीटिंग फीस या कंसल्टेंसी फीस लेते हैं, आर्किटेक्ट लोग फीस लेते हैं, ये सारे किस में फॉल करते हैं? 194J में, 194J। मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, स्टूडेंट काट लेंगे टीडीएस? नहीं काट सकते, क्यों? क्योंकि वो ऑडिट में नहीं आते, अभी स्टूडेंट है, अभी कुछ सेल नहीं है, कोई करते धरते नहीं है, अभी पढ़ते हैं, उनकी ऑडिट की नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि वो एलिजिबल नहीं है। अगर कोई कंपनी वालों की क्लासें लगा दें, कंपनी कहते जी हमारे स्टाफ को टीडीएस काटना नहीं आता, फॉर्म 16 देने नहीं आते, हम बाहर से करवाते हैं, खर्चा लगता है, आप हमें ही सिखा दो, हमारा बंदा अपने आप ही कर लेगा। तो मैंने कहा जी इतनी फीस है, क्लासें लगेंगी 1 महीना, आपका सारा स्टाफ अकाउंटेंट अकाउंटेंट उनको समझा देंगे सारे रूल, मेन मेन चीज़ें समझानी है, टीडीएस किस पे, सैलरी पे सिखाना है, कैसे कटेगा, ठीक है, कोई रेंट देते हैं उस पे सिखा देंगे, मशीन के किराए पे वही काम आना है, थोड़ा बहुत किसी को डिवेंचर का इंटरेस्ट दे रही है कंपनी तो उस पे काटना है, और कंपनी ने ये 194IA IB IC ये कितने का काटने हैं, एक आधी बार काटना भी है, किसी की प्रॉपर्टी खरीदी 50 से ऊपर फ़ोन लगा के पूछ लेते हैं सीए को, मतलब रूटीन में जो काटना है वो सीखना चाहते हैं, सिखा दो उनको, उनको वो सीखना है कि भाई साहब डिडक्शन जो फॉर्म 16 इशू करते हैं ना कंपनी वाले एम्प्लॉई को, तो एम्प्लॉई आके बताता है कि भाई मेरी ये इनकम है तो किस पे TC मिलेगी, D मिलेगी, कॉमन सी, वो बता देंगे उनको, सैलरी के रूल बता देंगे कौन सी स्टैंडर्ड डिडक्शन है। कोई आके कहते हैं जी न्यू रिजीम लगाना है, आपका वो अकाउंटेंट घबरा गया जो TDS काटता है, कहते ये क्या होता है न्यू रिजीम, क्या इससे चलूँगा मैं, तो आपको नए रूल आने चाहिए ना, स्टैंडर्ड डिडक्शन देनी नहीं, करते करते कहीं पूरी इनकम टैक्स की क्लासें ना लगानी पड़े जाए उनको, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। देखो धीरे धीरे न्यू रिजीम आएगा तो फिर न्यू रिजीम साथ में पंगे भी कहीं लेके आएगा, क्या कौन कौन सी हाउस प्रॉपर्टी का लॉस नहीं, ATC से U तक नहीं, सिर्फ ATDD2 मिलती है, JJAA मिलती है न्यू रिजीम में, तो वो सारा अगले को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस बेकार जाना है ये पढ़ना पड़ेगा, काफ़ी कुछ ही हो जाएगा मतलब। तो वो बंदे क्या करेंगे, बाहर जाएंगे तो देखो CA आएगा या कोई फीस बहुत लेगा, इंडिविजुअल सीख लो, एक दो इंटेलिजेंट स्टाफ को कह दो भैया तुम क्लासें लगा लो प्रॉपर, 1 महीना लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कहते हैं जी आपको क्लासें लगानी है इनकी, आपके पास भेज देंगे, आप कभी कभी यहाँ आ जाना, कितनी फीस, मैंने फीस दी, वो कंपनी है और वो फीस दे रही है 30,000 से ज़्यादा, और वो काटेंगे फिर TDS, प्रोफेशनल फीस होगी वो, ठीक है ना, ये चीज़। बाकी स्टूडेंट का क्या, वो तो ऑडिट करता ही नहीं, कर भी होती नहीं उसकी, वो क्या काटेगा TDS। तो प्रोफेशनल फीस वाला भी एक अच्छा पॉइंट है, बड़ा पॉइंट है, इसमें भी काफ़ी मटेरियल है, काम आता है।